चैनल आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसकी एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में गिवन है अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 upon 16 centimeter, find the length of the wire. सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए, एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है। ये एक राइट सर्कुलर कोन है और इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। यहाँ पे ये इसकी हाइट टोटल 20 सेंटीमीटर गिवन है और साथ में ही इसका वर्टिकल एंगल जो है ये 60 डिग्री का दिया गया है। इस कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, इसको दो पार्ट में काटा गया है मिडिल ऑफ इट्स हाइट, यानी कि यहां से हाइट के मिडिल से यहां से काटा गया है और बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल में कट किया गया है, यानी कि हाइट के मिडिल में और बेस के पैरेलल इस तरीके से कट किया गया है। तो मीन्स यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ये 10 सेंटीमीटर की होगी और साथ में ही ये जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर की हुई, इक्वल हुए दोनों। क्यों? क्योंकि तो हाइट के मिडल से कट किया गया है। इफ द फ्रस्टम सो ऑप्टेड, अब नीचे वाला पोजिशन क्या हुआ, फ्रस्टम बना। ठीक है, तो फ्रस्टम ये जो बना है उससे क्या किया गया है, एक वायर फॉर्म किया गया है और जिसका डायमीटर गिवन है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम फ्रस्टम को अलग से बना लेते हैं इस टाइप से, ये जो फ्रस्टम नीचे वाला जो पार्ट है इसी से ही वायर फॉर्म किया गया है, अब मेल्ट करके या जिस तरीके से भी, ये यहाँ पे ये इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये ओ पॉइंट मान लिया और ये पी पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसमें जो फ्रस्टम जो फॉर्म हुआ है इसी से ही वायर फॉर्म किया गया है और वायर का डायमीटर दिया गया है, इस टाइप से कोई वायर फॉर्म किया गया है जिसका डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है। तो हम लोग को लेंथ ऑफ द वायर, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, चाहे हम लोग लेंथ कहें चाहे हम लोग इसकी हाइट कहें, दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वायर के, वायर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो जब वायर जो वर्टिकली है तो यहाँ पे इसकी हाइट हुई और जब ये हॉरिजॉन्टल है तो फिर यहाँ पे इसकी लेंथ हुई, यानी कि हाइट और लेंथ दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है, देखिए यहाँ पे हाइट गिवन है लेकिन फ्रस्टम, इसी फ्रस्टम से ये वायर फॉर्म किया गया है, तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा वही वॉल्यूम ऑफ दिस वायर होगा, दोनों के सेम वॉल्यूम होंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को रेडियस भी चाहिए होगी, हाइट तो पता है बट रेडियस नहीं पता है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आर टू है और ये बड़ी वाली जो है रेडियस वो आर वन है, इसको हम लोगों ने आर वन माना, इसको आर टू मान लिया। ठीक है, अब हम लोग आर वन और आर टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसमें जो है ये एक कोन दिया गया है। ठीक है, तो कोन में ये जो हाइट हो, ये जो साइड है ए बी वाली जो साइड है और ए सी वाली साइड है, ये दोनों ही कैसी है, स्लांट हाइट्स हैं। तो ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल होंगे आपस में क्योंकि स्लांट हाइट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स ये एक आइसोसेलीस ट्राइंगल है एक तरीके से। ठीक है, और इसमें ये हाइट हम लोग कह रहे हैं कि ये हाइट है, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों ही ट्राइंगल को अलग अलग लेते हैं, देखिए अगर ये वाला ट्राइंगल हम लोग ने लिया ए ओ बी वाला, दूसरा ट्राइंगल है ए
ओ सी वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, और साथ में ये एल है, ये एल है, तो राइट एंगल हुआ दोनों का राइट एंगल, और साथ में ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड इज कॉमन, ठीक है। तो आर एच एस ये प्रॉपर्टी लगेगी और दोनों ही ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाइसिपिसिटी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों ही कितने कितने के आ गए, 30 30 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल भी 30 का है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर इज 1/16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ द वायर इसकी हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 कर दिया, हाफ कर दिया इसका, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/32 सेंटीमीटर, ओके। देन फिर एपी की वैल्यू कितनी है, एपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पीओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दोनों ही हाइट्स हैं, एपी यहाँ पे 10 की है और पीओ की वैल्यू भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। एंड लेट ओ सी इज इक्वल टू R1 एंड पीई इज इक्वल टू R2 सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ये दोनों ही सेंटीमीटर्स में है। ये R1 वाली ये वाली साइड हो गई, OC वाली साइड हम लोगों ने R1 मान ली और PE वाली साइड R2 मान ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग R1 और R2 निकालते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल APE, देखिए इसको अगर हम लोग अलग से ड्रॉ कर ले, APE वाला ट्राइंगल APE, ठीक है। तो ये वाली साइड R2 हम लोग मान के चले हैं और ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हाइट इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, ये वाला एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पीई वाली साइड है, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो पीई अपॉन बेस क्या है, एपी। तो पीई की वैल्यू कितनी है, R2 एंड एपी इज 10, दिस इंप्लाइज दैट 1/√3 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू R2 अपॉन 10। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को अगर हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेंगे, ए ओ सी को, ए ओ सी, तो ये टोटल हाइट कितनी है, ए ओ वाली 20 की है और ये हम लोग R1 एज्यूम करके चले हैं, ओके। तो 10 यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, तो ओ सी अपॉन ए ओ, दिस इंप्लाइज दैट 1/√3 इज इक्वल टू R1 अपॉन 20। और हम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरीके से R1 की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग के पास R1 भी है R2 भी है, तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फ्रस्टम का, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है वही वॉल्यूम ऑफ वायर है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πh r1² + r2² + r1r2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर. यानी कि ये वायर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे πr²h. अब यहां पे देखिए पाई और पाई ये दोनों ही साइड में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 h. फ्रस्टम की हाइट कितनी है, 10 है और r1² 20/√3² + r2 10/√3² + 20/√3 × 10/√3. ठीक है, r1 की वैल्यू 20/√3 और r2 की वैल्यू 10/√3. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू r² वायर का, वायर की रेडियस कितनी निकली थी, 1/32² × h. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/3 10/3 का लेते हैं, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10/3 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस 20 × 10 200/3. दिस इज इक्वल टू 1/32² 32² कितना होता है 1024 × h. इसको सॉल्व कर लेते हैं 10/3 और इसको जब प्लस करेंगे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 400, 500 और 700. 700/3 इज इक्वल टू 1/1024 × h. फाइंड करेंगे तो 1024 इधर की साइड चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/3 × 700/3 × 1024 = h. दिस इंप्लाइज दैट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से तो वैल्यू 7168000/9. दिस इज इक्वल टू h. ओके, और जब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7964444. दिस इज इन सेंटीमीटर, ये हो गई हाइट, या हम लोग इसको कहें लेंथ, दोनों ही सेम है. इसको हम लोग चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा. तो डेसिमल जो है टू प्लेसेस आगे आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7964.44 इन मीटर. तो ये क्या निकला है, लेंथ ऑफ द वायर और यू कैन से हाइट ऑफ द वायर. ओके, तो ये हो गया आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.